आज मैं जो बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी। मैं बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल तड़का और इसके साथ ही बनाएंगे हम चावल। अक्सर दोपहर के टाइम में सभी घरों में दाल और चावल बनते हैं, मगर एक बार इस तरह से आप दाल चावल बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इन्हें आप इस दाल को आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं मसूर की दाल तड़का। उसके लिए मैंने कुकर ले लिया है, हम कुकर में दाल बनाएंगे। और साथ ही ले लिया है आधा चम्मच ऑयल, रिफाइंड ऑयल ले लिया है मैंने, और आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें जीरा। तो जीरा अच्छे से चटक गया है, अब डालेंगे इसमें हम बारीक कटी हुई एक प्याज, और साथ में ही डाल देंगे हम दो हरी मिर्ची। तो छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है हरी मिर्च को। अब प्याज को हल्का गोल्डन कर देंगे हम। तो ये देखिए बिल्कुल हल्का कलर हो गया है गोल्डन प्याज का। अब डालेंगे हम इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये मैंने एक टमाटर ले लिया है बारीक काट के, तो अच्छा पका हुआ टमाटर लिया है मैंने। और अब साथ में ही हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे, जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने एक मिनट टमाटर को फ्राई कर लिया है, तो ये हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे, और साथ में ही डालेंगे हम इसमें आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, और आधा चम्मच ही डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर। इनको भी टमाटर के साथ एक मिनट भून लेंगे। तो ये देखिए सूखे मसाले भी भून गए हमारे। अब इस कप से मैंने एक कप मसूर की दाल ली है, और इसको अच्छे से धोकर रख लिया था मैंने। अब हम सारी दाल डाल देंगे, और मसाले के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे दाल को। अब हम पानी डालेंगे, तो इसी कप से मैंने 3 कप पानी डाल लिया है। तो ये मैंने 3 कप पानी ले लिया है, 1 कप मसूर की दाल थी। अब दाल में अच्छा बॉईल आ गया है, तो एक बार हम इसे और चलाएंगे। और अब हम कुकर की लिड लगाकर इसमें 2 सीटियां आने देंगे। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो देखिए इसमें 2 सीटियां आ गई हैं, और ये हमारी दाल अच्छे से पककर तैयार हो गई है, गल गई है अच्छे से। तो बस हमें ऐसी ही दाल चाहिए। अब हम इसे रखेंगे साइड पे और एक तड़का तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें असली घी, और 1 चुटकी के बराबर डालेंगे इसमें हींग, और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, और ये 2 मैंने लाल मिर्चें ले ली है तोड़कर, और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन। तो लहसुन और असली घी से दाल का मज़ा एकदम डबल हो जाएगा, तो मसूर की दाल में लहसुन ज़रूर डालिएगा। तो ये हमारा तड़का तैयार हो गया है, इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च मैं सिर्फ रंग के लिए डाल रही हूँ, वो बस इसको डालते ही हम तड़का लगा देंगे, नहीं तो हमारी ये जो मिर्चें हैं ना, ये जल जाएंगी। तो ये देखिए कितना अच्छा रंग आ गया है हमारी दाल का। अब डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये तैयार हो गई है हमारी मसूर की दाल तड़का। अब हम चावल तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने आधा चम्मच ऑयल ले लिया है, और ये 2 तेज़ पत्ते ले लिए हैं, थोड़ी सी काली मिर्ची, और आधा चम्मच जीरा ले लिया है सफ़ेद। अब डालेंगे हम इसमें चावल। तो ये मैंने 1 गिलास बासमती चावल ले लिए हैं, अच्छे से धोकर ले लिए हैं, और सारा पानी निकाल दिया था चावलों का। अब हम डाल के ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो ऑयल की अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी चावलों पे। अब डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच नमक, और एक बार और मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो जिस गिलास से मैंने चावल लिए थे, उसी गिलास से हम 1 गिलास चावल लिए थे, तो 1.5 गिलास हम पानी डाल देंगे। तो ये देखिए चावलों पे अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, और एक बार और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसी टाइम पे हमें नमक भी चख लेना है। अब हम इसको ढककर पकाएंगे, तो गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे, क्योंकि इसमें अच्छा बॉईल आ गया है, और इसको आज से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए, चावल भी तैयार हो गए हैं हमारे। तो ये देखिए चावल भी तैयार है हमारी, दाल भी तैयार है। तो इनको बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, 10 से 15 मिनट में ये दोनों चीज़ें बनकर तैयार हो जाती हैं। ये तैयार हो गई है हमारी मसूर की दाल तड़का, और साथ में चावल।